सारा इंडिया को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो क्या है इस वीडियो के माध्यम से जो भी है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जानकारी इंटरनेट और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है। तो सब कुछ जो भी है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जिनको भी डिफेंसिसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आया हुआ था उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो भाई आप लोग बने रहे। देखिए सारा रिफंड फॉर्म में री अप्लाई कैसे करें, इसे करें ठीक डिफेंसिसी मैसेज कम्युनिकेटेड वाली समस्याएं को। उसके बाद देखिए, अगर आपने भी सारा इंडिया रिफंड के लिए अप्लाई किया था लेकिन आपको डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का कारण देकर आपके रिफंड एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप खुद से ही अपने इस रिजेक्ट हुई एप्लीकेशन को एडिट करके अप्रूवल करवा सकते हैं तथा जल्द से जल्द रिफंड का पैसा प्राप्त कर सकते हैं। भाई आप लोग बने रहे। देखिए आपको बता दें कि सारा रिफंड फॉर्म रीअप्लाई कैसे कर, तो इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले आप इसका मतलब जान लीजिए, डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मतलब क्या है। डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड मैसेज का मतलब ये है, यदि आप फॉर्म को भरते समय या आपके फॉर्म में कोई भी कुछ भी त्रुटियां पाई गई हैं, उन्हीं को ये मैसेज भेजा गया है। क्योंकि इसलिए भेजा गया है कि आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ियां हैं उसे सही करवा ले, इसलिए ये मैसेज का मतलब ये है। लोग परेशान हैं, बूझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसका मतलब यही है, आपको जो है इसका स्टेटस देख करके क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको सुधार करके आप रीअप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रीअप्लाई ऑप्शन आ गया है। उसके बाद ये देखिए मैं आ गया और विस्तार से बताता हूँ। ये देखिए सारा रिफंड द्वारा जारी डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड स्टेटस क्या है। हम आपको बता दें कि जिन निवेशकों को सहारा रिफंड में रिफंड हेतु अप्लाई किया है और रिफंड एप्लीकेशन में कमियां पाई गई है, उन्हें स्टेटस में सहारा रिफंड में डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड स्टेटस दिखाई जा रहा है, जिसके लिए मुख्य कारण हो सकते हैं जो कि इस प्रकार से हैं, सभी प्रकार के रिफंड एप्लीकेशन को न भरना और फाइनल सबमिट कर देना। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्लियर बताया गया है, जो भी दस्तावेज है उसको आप अपलोड नहीं किए होंगे उसके वजह से डिफिशिएंसी का मैसेज आ चुका है। उसके बाद यानी कि आप अच्छे ढंग से जो प्रोसेसिंग था, जो प्रक्रिया था अप्लाई करने का, आपने सही ढंग से नहीं किया है, इसके वजह से डिफिशिएंसी का मतलब। तो दोस्तों यही सब कारण है कि जो है आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया है कहीं ना कहीं। तो भाई आपको इसका जो स्टेटस है उसको देख करके जो है दोबारा से अप्लाई करिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो भी है मैंने आपको बता दिया है। तो भाई जिन लोगों को यह वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि दोस्तों आप लोग जान ही चुके हैं कि रीअप्लाई का ऑप्शन आ चुका है। आप लोग जो है इसका स्टेटस देख करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं तब तक नमस्कार, जय हिंद।